डूबते सूरज के सामने उसकी काली सहकाया खड़ी शहर की तरफ देख रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। ये शहर कभी उसका अपना था, शहर जहां वो पैदा हुआ था। शहर जहां पर वो पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था, उससे बहुत प्यार करता था, पर अब वही शहर एकदम नरक हो चुका था। अरे भाई, ये काली सहकाया का क्या मतलब है? यार मैं एक बार पूरा सुना देता हूँ, उसके बाद तुम पूछ लेना मतलब क्या है उसका। अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो पूरा कैसे सुनाएगा यार? तू एक काम कर, इसके साथ एक हिंदी डिक्शनरी छाप देना, तब मुझे समझ में आएगा। मैं छाप दूंगा, अगर तू पूरा सुनेगा तो तेरे को समझ में भी आ जाएगा। कैसे सुनूं? मेरे को तो भारी भारी शब्द यूज करेगा तो मेरे को समझ में नहीं आएगा ना। ये है क्या लेकिन? अरे ग्राफिक नॉवल है यार, मुंबई का पहला सुपर हीरो। क्या बात कर रहा है? वो तो रावण था ना? जीवन रावण था, फिल्म का नाम रावण था, लेकिन पहला हीरो जीवन था, रावण विलेन था। फिल्म का नाम रावण क्यों था? अरे यार क्या फर्क पड़ता है रावण जीवन, यार मैंने पूरा जीवन लगा दिया इसको लिखने में। यार तुम एक बार सुन लो, तुम अलग ही टेंजेंट पे चले गए हो यार। भ्रष्टाचार दीमक की तरह शहर को खोखला कर चुका था। हर पुलिस वाला उस बाहुबली की चाकरी करता था, हर मिनिस्टर उस बाहुबली की चाकरी करता था, और ये सुपर हीरो उस बाहुबली की छोकरी को करता था। मैं भावेश और सिक्कू को पहली बार 2011 में मिला। चारों तरफ उम्मीद का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि पूरा देश करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा है, एक नए दौर की तैयारी हो रही। आप लोग इधर प्रोटेस्ट पे क्यों आए? देखिए हमें लगता है करप्शन इज शिट, या एंड शिट स्टिंक्स। बस। और इस माहौल में ये दो आइटम बस जेल की हवा खाना चाहते थे। कहीं पे दिल के कोने में बटन है एक नादानी का, दवा दवा दवा, जो लम्हा लेके आया है बबल गम एक शैतानी का, चबा चबा चबा। जहाँ सस्ते में मिलती हो खुशी का वो ठिकाना है, कहाँ कहाँ कहाँ, तेरी ही नाक के नीचे खुशी मौजूद है पगले, यहाँ यहाँ यहाँ। तो चल जरा भावेश और सिक्कू के साथ पुलिस वालों को भी बड़ा मजा आया। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि लॉकअप में इतना मजा आ सकता है। सच कहूं तो वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार दिन था। शायद भावेश और सिक्कू को ये दिख गया, क्योंकि उस दिन के बाद तो उन्होंने मुझे गोद ही ले लिया। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। उस टाइम में एंटी करप्शन का झाड़ू लिए मिडिल क्लास के कई मसीहे आए। मगर भावेश और सिक्कू को लगता था कि मूवमेंट को किसी झाड़ू वाले मसीही की जरूरत नहीं थी। कसम खाते हैं। उनका मानना था कि कचरा उन्हीं लोगों को साफ करना चाहिए जिन्होंने बीच रास्ते में जाकर खुद गंदगी फैलाई थी। लोग फेसबुक पे तो फोटो अपलोड कर देंगे अपनी फिंगर की, बट आफ्टर दैट नो वन विल लिफ्ट अ फिंगर, मैन, नॉट वन फ्रिकिंग फिंगर। मैंने देखा है, उठाते हैं लोग दूसरों पे, उसकी गलती, उसकी जिम्मेदारी, सरकार का फेलियर, उसने किया। कचरा फेंकने के लिए कचरे के डब्बे तक जाते नहीं है ये लोग, लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर सोशल मीडिया पे बड़े बड़े निबंध जरूर लिख देते हैं। मतलब नहीं, हम लोग भी तो दारू पी के कंप्लेंट नहीं कर रहे ना, सही है ना? तो हमें कुछ करना है, लेकिन क्या और कब? एक आइडिया है। आ अंकल, ये पेड़ क्यों काट रहा हो? ये बाबा
जा ना, काम करने दे, जा। पेड़ काटना कानून के खिलाफ है। खिलाफ है? कानून का, म्युनिसिपैलिटी का, सबका परमिशन है मेरे पास, समझा? चलो जाओ इधर। क्या भाड़ में? पेड़ के भी फीलिंग्स होते हैं। क्या आपने पेड़ से पूछा? अरे पूछा क्या नहीं पेड़ से? तू काट रे, काट। ये? काट बोला ना? ये रुको। काट बोला ना? अबे उसे पीछे नहीं जा, क्या हो रहा है? हम कितने सालों से ये पेड़ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई सुनते नहीं है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आप लोग आके हमारे पेड़ बचाए, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरी बात सुन, आगे से सोसाइटी में कोई इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझा? Thank you, Insafers, for solving our internet problem. Thank you, ma'am. Thank you, Arifai. And thank you, @Shruti, @Priyanka, and @Farhan, and Mr. Sharma, जिन्होंने जरूरत के समय पे जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो हमें याद किया। हमें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। Awesome, got that, bro. पक्का? इंसाफ के रखवाले जोरों से आगे बढ़ रहे थे। जहां भावेश फ्रंट फुट पर खेलकर इंसाफ का चेहरा था, बैक एंड पे सिक्कू अपनी टेक्निकल नॉलेज से इनिंग्स को संभालता था। जोशी, मैं जोशी उठा। चेक दिस आउट। जब कभी भी कोई भी ना इंसाफ चीखेगी और चिल्लाएगी और इंसाफ को आवाज लगाएगी, अब इंसाफ जरूर आएगा और जान पे खेल के इंसाफ दिलाएगा। क्या बात है मेरे भाई। तो याद रखना भाइयों और बहनों, अम्ब्रेला आंटी और बच्चे लोग, अगर कभी भी कोई तुम्हारे साथ गलत करे या कहीं भी कोई गलत करता हुआ दिखे तो जस्ट हिट अस अप ऑन ट्विटर @ Facebook or could Skype, Tumblr, LinkedIn, MySpace, Pin, Interest, iMessage or WhatsApp. And remember, we don't use Google Plus. No Google Plus. Oh my God, this is so cool. We're basically like the Indian Justice League. So, you are like Spider-Man. No, that's Marvel. We're DC. We're cooler. We're darker. We're edgier. So, how did you start doing this? You know, I used to be like everyone else. But there comes a time when you must heed a certain call, when the world must come together as one. Because there are people dying, you see, and sometimes you need to lend a hand to life. The greatest gift of all, we are the world. Michael Jackson. तुम्हें seriously लगता है कि किसी YouTube पे हीरो बनके और Michael Jackson के लिरिक्स चुरा के तुम किसी भी लड़की को पटा लोगे? शी, इतनी छोटी सोच है तुम्हारी। हम लोग एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ओके? ओह रियली? या, इट्स अ मूवमेंट। या, आई टोटली गेट इट। इट्स सच अ नोबल कॉज। शी टोटली गेट्स इट। इट्स अ नोबल कॉज। कुछ लोग हैं जो इस देश के बारे में, इस शहर के बारे में और हमारे लोगों के बारे में एक्चुअली केयर करते हैं। सो विल यू प्लीज गेट ऑफ योर हाई हॉर्स एंड स्टॉप जजिंग पीपल। गाड़ी रोक। क्या हुआ? पीछे ले। और हुआ क्या? पीछे ले। ये बताओगे क्या? अरे पीछे ले, सिग्नल तोड़ा तूने। हाँ क्या? सिग्नल तोड़ा? सिग्नल तोड़ा साले ने। पीछे ले। कहाँ सिग्नल तोड़ा यार? सामने इस समय। पीछे ले। पीछे ले। पीछे ले। तो 12 बजे बारिश हो रही है तो सिग्नल तोड़ेगा तू? पांडू भी नहीं यहाँ। अरे तो पांडू नहीं है तो सिग्नल तोड़ेगा तू? सीधा पुलिस थाने लेके जाऊंगा मैं। पीछे क्या, ले ये क्या, ये क्या हटाओ यार, ये क्या है? पुलिस थाने लेके जाऊंगा। पीछे ले। इतनी सी बात पूछ रहा हूं ना, दिखा दो मैं पांडू। पीछे ले। पीछे ले। ले रहे, ले रहे, ले रहे, ले रहे पीछे भैया, ले रहे। क्या हुआ? क्या हुआ के क्या हुआ? अरे सिग्नल का कोई मतलब होता है यार?
ग्रीन। अब जा सकते हैं। मालूम है। क्या तेरे बाप की दीवार है जो धो रहा है? सॉरी 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 के बच्चे अबे ठीक बस हो गया बच्चा जलाना मना है हम लोग कराटे क्यों सीख रहे? सीखना पड़ेगा भाई, वरना फ्रेंच बेल्ट जैसे कमीने ना ऐसे करते रहेंगे। अगली बार उसका कट का जवाब चौप होगा। सही कह रहे हैं, लेकिन कराटे सीखने के लिए कुत्ता पजामा पहनना जरूरी है क्या? फील आती है यार। चल इंसाफ पूछ। On the floor right now. Good. इसने तो जानवर बना दिया ब्रो। पूरी जिंदगी में ब्रूसली ने भी ऐसा नहीं किया होगा यार। You too. Keep quiet. Move forward. Yes, sir. Go. अभी वो तुझ पे चढ़ जाएगा ब्रो। अबे पागल है क्या ये फ्रेंच बियर्ड? पीछे ले, वन वे है। इसे को लगता है डर गया, गाड़ी छोड़ के भाग रहा है। डिक्की में क्यों जा रहा है? अबे ओ शिट, अबे डंडा दिखाता है साले। सॉरी यार। किस लिए? मैं तो अकेले ही पिट गया, अब कुछ कर भी नहीं पाया। और बात कर रहा यार, तू पिटा मैं पिटा एक ही बात है ना। हम जस्ट टुगेदर मैन, जीतेंगे तो साथ में, मार खाएंगे तो भी साथ में। यार एक बात बताओ, तुम्हें अपने पुर्जे रीअरेंज करवाने में ज्यादा मजा आता है क्या? नहीं, कब तक करोगे इंसाफ वाला नाटक? ये नाटक नहीं है, ये ना परिवर्तन की लहर है, वेव ऑफ चेंज। इसी लहर पे सर्फ करते करते ना बदलेंगे हम देश को। तुम दोनों ने बात समझ लो, तुम फेसबुक ट्विटर से ना कुछ देश वेश नहीं बदल रहे हो, तुम खाली अपनी बेवकूफी को ना एडवर्टाइज कर रहे हो। मरोगे तुम दोनों, डूबोगे। कैसे बदलेगा ये देश? छोटे कदमों से। आज हम दो हैं, कल 2000 होंगे। बस एक दूसरे को प्रॉमिस करना चाहिए कि हम इंसाफ करेंगे। इंसाफ करना। आज देश के शहरों में होने वाले कई आंदोलनों में उदासी छाई थी। मुंबई के MMRDA का ये खाली मैदान जन लोकपाल आंदोलन की असफलता को दर्शाता है। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाली आवाजों को पूरी तरह शांत कर दिया है और इसे जन लोकपाल आंदोलन का निराशाजनक अंत माना जा सकता है। रियलिटी हिट करती है तो बंदे को बदल देती है। सिक्कू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोकपाल मूवमेंट के फेलियर के बाद सिस्टम की लड़ाई पॉइंटलेस लगने लगी और इंसाफ शो और एक नए देश का सपना खोखला। शहर बढ़ता गया, 5 साल बीत गए। भावेश को फिर भी लगता था कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, पर सिक्कू ने तो फुल गिव अप मार दिया था। इंजीनियरिंग की डिग्री लेके लाखों लोगों की तरह उसने भी अपनी जिंदगी कॉर्पोरेट गुलामी में लगा दी। दिन के 8 घंटे बैठकर किसी MNC के लिए कोडिंग करता था और एक दिन वो कॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सर, कंपनी US में ऑफिस खोलना चाहती है
और वहाँ का सेटअप डेवलप करने के लिए वो चाहते हैं कि यहाँ से कोई वहाँ आए। तुम जाना चाहोगे? यूएस में कहाँ? अटलांटा। बाकी डेवलपमेंट टीम को लीड करने की बात कर रहे हैं। तो सच में जाएगा? और इंसाफ तू है ना? सीरियसली पूछ रहा हूँ यार। मैं भी सीरियसली बोल रहा हूँ भावेश, तू है ना? सिर्फ इंसाफ करके 5 साल में हमने क्या उखाड़ लिया? क्या बात कर रहे हैं यार, हमने आरिफ भाई उसको ठीक किया, उसके बाद सब केबल और इंटरनेट ऑपरेटर्स बहुत ही नेक हो गए ना भावेश। अरे तो एक रात में चीजें नहीं बदलती यार, इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है भावेश। लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में खुद परवाह नहीं है यार, हम लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं यार? मुंबई के हर प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट होता है कि ट्रैक्स क्रॉस मत करो, लोग सुनते नहीं सुनते, एक मिनट बचाने के लिए ट्रैक्स क्रॉस कर देते, गाड़ी थोक देती है और फिर क्या? रोक, क्या हुआ? गाड़ी रुक। अरे हुआ क्या? पीछे ले सिग्नल तोड़ा तूने, पीछे ले। मैं कुछ बोल रहा हूँ भावेश। तो बोल रहा है तो मतलब ऐसी सिग्नल तोड़ देगा तो पीछे ले। बात सुन पहले। पीछे ले। नहीं लूंगा यार। स्टॉप द कार यार। मुझे दिखाएगा ये? रिलैक्स गाइस। मुझे दिखाएगा। तू दिखाएगा मुझे? पीछे ले। सिकू। पर भावेश, भावेश ही रहा मुंबई का रखवाला, मलाड का फेमस इंसाफ मैन। हेलो, मैं इंसाफ बोल रहा हूं। तुम्हारा एप्लीकेशन पुलिस चौकी में उधर से क्लियर करना पड़ेगा। सर लेकिन 2 हफ्ते पहले पुलिस वाले घर पे आके वेरिफिकेशन करके चले गए थे सर। लेकिन हमारे पास नहीं आया ना अभी तक। सर एक मिनट, ये मैसेज जरा देखना। इट सेज पासपोर्ट एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस। हाँ, ये 3 हफ्ते पहले आया था। बराबर है, लेकिन इधर नहीं आया अभी। तो अब मैं क्या करूँ सर? जाके बात करो पासपोर्ट ऑफिस। अरे नहीं रे बाबा, पुलिस चौकी में जाके बात करो, लोकल बीट पे। हमारा आदमी तुम्हारे घर पे गया था, तुम घर पे नहीं थे। सर मैं था घर पे, मैंने बात की उससे। इधर देखो क्या लिखा है। तुम्हारे घर पे ताला था, तुम घर पे नहीं थे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आओ और वापस सबमिट करो। सर मैं था घर पे, मैंने उसे पानी पिलाया। अरे अभी अतिथि को पानी पिलाना तुम्हारा कर्तव्य है ना? सर वो तो बात सही है, लेकिन अगर मैं घर पे था ही नहीं तो फिर उसे पानी कौन पिलाता? ठंडा पानी? हाँ ठंडा पानी। हमारे घर पे फ्रिज है? हाँ है। कौन सी कंपनी का? अबे सिग्नल है, दिखता नहीं है क्या? तुम पैसे देखिए बात खत्म क्यों नहीं कर देते? 2 मिनट में मिल जाएगा तुम्हारा पासपोर्ट। ये तुम कह रही हो? हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। स्नेहा मैं ब्राइड दे नहीं सकता, मैंने रिश्वत कभी दी नहीं है। रिश्वत दूंगा तो भावेश मुझे घर पे नहीं आने देगा। अटलांटा मत जाओ, यहाँ रहो मेरे साथ। वैसे भी तुम चीजें बदलने की बात करते थे, सब ठीक करके दुनिया घूमने की बात करते थे। यहाँ मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया बदलने की बात तो वो टाइम गया। तुम आओ अटलांटा मेरे साथ। प्लीज सीरियस से को। आई एम बीइंग सीरियस। मैं वहां क्या करूंगी?
मेरी इंटर्नशिप चल रही है यहाँ। इंटर्नशिप 6 महीने में खत्म हो जाएगी, तुम वहाँ पे भी तो पढ़ाई कर सकती हो। तुम पढ़ाई करना, मैं काम करूंगा, घर ले लेंगे, बाहर सफेद फेंस होगा, ड्राइववे, बैकयार्ड, इवन एन आउटडोर गैराज। गैराज में कन्वर्टेबल होगी, वीकेंड पे ड्राइव्स पे जाएंगे कन्वर्टेबल में, शादी करेंगे पूरी अमेरिकन स्टाइल। आई डू यू डू प्रपोज कर रही हो तुम? Thank you. उसे उतार क्यों नहीं देखा बेटे? वो मैं रिस्क नहीं ले सकता। बेटे मुझे नहीं पता तुम मेरी कितनी मदद कर सकते हो। वैसे तो मैंने कंप्लेंट्स की हैं, अखबार वालों के पास गया हूँ, पर किसी को इसमें कोई बड़ा क्राइसिस नज़र नहीं आया। आप बताइए तो सही। पानी की समस्या हर जगह है, गर्मी में ज़्यादा बढ़ती है, पर हमारे एरिया में, हमारे कॉलोनी में कोई भी सीजन में गए 2 साल से पानी की समस्या ज़्यादा गंभीर है। म्युनिसिपैलिटी वाले ने बोला दिन में 2 बार पानी आएगा, आता है हफ्ते में 1 बार, वो भी बिना बताए। मैंने वार्ड ऑफिसर से मिलने की कोशिश की तो बोलता है तुमसे एकट्याचं काम है का, हमारा भरपूर काम है, बिजी है, बस बिजी है, ये बोल के टाल देता था। मैंने RTI किया तब जाके वार्ड ऑफिसर मुझसे मिला और कहने लगा ओ लातूर मध्ये 6 महीने पाऊस नहीं झाला, कंप्लेंट करता है। लातूर में 6 महीना बारिश नहीं हुई है, कंप्लेंट करोगे? सर तुम्हाला कधी बस एक्सक्यूज मी सर, सर ये ऑफिशियल वाटर अनाउंसमेंट के हिसाब से दिन में 4 घंटे पानी आना चाहिए, मगर 6 नंबर वार्ड में हफ्ते में चंद घंटों के लिए पानी आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है अंदर कैसे आया तू? सर मैंने वहां पे कंप्लेन भी करी थी लेकिन क्या कर रहा है, शूट कर रहा है? नहीं तावड़े पकड़ दे, पानी के बिना कैसे जिएगा? अरे कैसे पकड़ दे तू, तावड़े पकड़ दे तुम्हें, ए शूट कर, ए बाहर कर दे, बाहर कर दे आप लोग। चलो अरे मेरे सवाल के जवाब दीजिए, सिंपल से सवाल है। देखो साहब से बात करके कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट मत करो। अरे खुश तक आई को है, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, इधर कंप्लेन करके कुछ फायदा नहीं है, पूरा पानी चूस लिया है, तुम्हारे घर पे किधर पानी आएगा? उसने मतलब अरे बाबा टॉप लेवल का मामला है, सब सेटिंग होता है इधर।
क्या है मैं? शहर को पानी देने वाले बड़े पाइपलाइंस पे इन्होंने अपने इलीगल पाइप्स और मिनी पंप्स लगाए। पहले म्युनिसिपैलिटी की वाटर सप्लाई काट के क्राइसिस पैदा करते हैं, फिर वही पानी जो आप ही के लिए था उसको चुरा के टैंकर में भर के आप ही को पेट्रोल के भाव बेचते हैं खुलेआम। अच्छा खासा खुफिया बिजनेस शुरू कर रखा है क्योंकि कोई सवाल करने के लिए नहीं, पर अब हम आ गए और हम सवाल पूछ रहे हैं और इन्हें जवाब देना पड़ेगा। जी सर। वीडियो देखा? हाँ सर मैंने देखा। पूरी जिंदगी डांस बार में ही बितानी है या कुछ करोगे भी? क्या? जी सर। पता करो ये बुड्ढा कौन है? जी इकंदर खन्ना। सिकंदर खन्ना सर। अरे हमको तो यही दिखाई दे रहा है, देखो। सर वो बारिश हो रही है ना तो छत में एक्चुअली लीक था। देखो अगर ये कागज सबमिट करोगे तो पासपोर्ट तो इकंदर खन्ना के नाम से ही बनेगा। सर लेकिन एक बूंद पानी गिरा है सर, वो डॉक्यूमेंट तो सेम है, नाम पूरा सब साफ दिख रहा है, सिकंदर खन्ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, पहले भी मैंने सबमिट किया, आपने अपने चेक किया है सेम डॉक्यूमेंट। नए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये ओरिजिनल है? नहीं चलेगा सर, मैंने ये सेम डॉक्यूमेंट्स एक महीने पहले सबमिट किए थे, तब पास हो गए थे, सेम वाले। ये तुम बोल रहे हो ना, इसमें लिखा है ऐसा कुछ? हाँ क्योंकि यहाँ पे सब झूठ लिखा है ना, वो लोग घर आए थे वेरिफिकेशन किया सब किया, यू नो आप लोग मुझे बोलो ना आप लोग चाहते क्या हो मुझसे? क्या हो रहा है? हमको डरा रहे साहब ये चिल्ला चिल्ला के, बोलते कि इनका ये पासपोर्ट क्लियरेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स पास कर दो, अब इस पे तो पानी पड़ गया है। हाँ नहीं नहीं सर, घर पे छत में लीकेज था, एक बूंद पानी गिरा है डॉक्यूमेंट्स पे, लेकिन नाम तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। चिल्लाना बंद करो, कैसे पास कर रहे हैं? नहीं पास हो गई सर। क्यों सर, ये सेम डॉक्यूमेंट्स मैंने एक महीने पहले सबमिट किए थे, रिकॉर्ड है इनके पास। दोबारा डॉक्यूमेंट बनाओ, दोबारा सबमिट करो। तुम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खुले में रखोगे तो लापरवाही की कीमत कौन चुकाएगा, तुम चुकाओगे या पुलिस चुकाएगी? लेकिन सर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, जाओ बाहर निकालो इसको, अंदर कॉर्पोरेटर साहब बैठे, चाय पी लो। चलो निगा कमरे चाय सांग रहे। सर सर सिकंदर, पासपोर्ट का काम हुआ? नहीं। क्या? तो हरी टब, मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार, जल्दी करो वरना मुझे किसी और को भेजना पड़ेगा। गुड, मिल जाएगा पासपोर्ट तेरे को। तू इतना चक्कर काटा, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहला देने का ना, काम जल्दी होता। अंकल अंकल
अंकल, आप ठीक हो अंकल? आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। सॉरी कैसा, मेरी वजह से हुआ? नहीं बेटे, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। तुमने जो किया वो सही किया, तुमने वो किया जो सबको करना चाहिए था। अगले हफ्ते मेरा बेटा आ रहा है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब जो भी करना है वो तुम्हें करना है बेटे, जरा संभाल कर। वो लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं पासपोर्ट हो गया। पैसे के लिए तुम्हें क्या पूछ रहा हूं मैं? पैसे के लिए तूने और क्या करता? और क्या करता? सीरियसली, तू कंप्लेन कर सकता था, अरे एफआईआर लॉन्च कर सकता था, तू एंटी करप्शन वालों को फोन कर सकता था, आवेश हटा सकता था यार। भाषण मत दे, बस हो गया ना यार, हो गया, इट्स डन। अच्छा अब मैं भाषण दे रहा हूं, और उन सब नारों का क्या हुआ? सिकू ना कभी रिश्वत लेंगे ना कभी रिश्वत देंगे, क्या हुआ? बोल दिया, हो गया खत्म, बस। हाँ, डिस्गस्टिंग मैन। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है क्या? पासपोर्ट करा के आ गया, पैसे खिला के साला। मैं वहां जाता था, लाइन में वेट करता था यार, मेरी बेइज्जती होती थी वहां पे, मैं चक्कर काटता था, सबके सामने मेरी चड्डी उतारते, मुझे बुरा लगता था। तुझे कुछ पता है? तुझे नहीं पता है? मुझे नहीं पता है। नहीं, तू अपनी दुनिया में रहता है ना, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है तुझे कोई आइडिया नहीं है। साले, जस्ट बिकॉज़ तेरे को सिस्टम से डर लगता है, पुलिस वालों से डर लगता है ना, तो बहाने मत बना, मेरे ऊपर मत डाल, ठीक है? तुझे पता है क्या हो रहा है बाहर? तुझे पता है आज पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? एक बेचारे बुड्ढे को मारा उन्होंने, क्योंकि इंसाफ पे उसने सच सच आके सब कुछ बोला। इंसाफ याद है तुझे? हाँ, हमारा शो, तेरा शो जो तू एक टाइम भी किया करता था, याद है कि भूल गया? बैठ के बात कर ले। क्या बैठ के बात कर यार, क्या बोल रहा है ये पागल? क्या हुआ, किसने किसको मारा? अरे यार बर्वे को यार, उसने पानी की चोरी के बारे में सब सच सच बोला, तो पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन में उसको मारा यार। सब सारे लोकल कोऑपरेटर, सब लोग थे वहां पे। हाँ, शहर के सारे विलेंस मिल गए। सोचा बहुत देर में कुछ किया नहीं है ना, कुछ कीड़ा कांडी करते, पानी का स्कैम करते, सबको मार दिया ना, बुड्ढे को मारते, और वही वर्ल्ड फेमस बुड्ढा जो वर्ल्ड फेमस भावेश जोशी के वर्ल्ड फेमस इंसाफ शो पे आया। छोड़ना यार, अब तू क्या करेगा? सबको मारेगा, सबको रोकेगा? हाँ ले बोल, क्या कर रहा है? कैसे रोकेगा? बोल, बंद कर यार, प्लीज प्लीज यार, इंसाफ मैन बोल ना, इंसाफ लाएगा तू? इंसाफ बंद कर यार, ये सब यार इंसाफ लाएगा तू? पागल हो गया क्या? बंद कर यार ये सब, हीरो बन रहा है ना, हीरो बन रहा है तू? पागल कहीं का? बोल ना क्या करेगा तू? हां बोल ना, आशीर्वाद साले। आशीर्वाद नहीं हूं मैं, ठीक है? मैं कुछ करूंगा, करके दिखाऊंगा, मारूंगा मैं सबको, सबको मारूंगा मैं, उस कॉर्पोरेटर को मारूंगा जिससे भरवे को मारा था, उस पुलिस वाले को मारूंगा, इस देश के सभी करप्ट नेता को मारना चाहिए साले। क्या है यार, क्या फायदा है ऐसे देश का? ऐसे देश को तो छोड़ के भाग जाना चाहिए अमेरिका, टूटा सा तो देश है। कोई कुछ करता है यहाँ पे? कोई कुछ नहीं करता है साले, सब तेरी जैसे, सबके सब कायर है। सिक्कु पता है तुझ में और मुझ में फर्क क्या है? मैं ना इस देश से प्यार करता हूं, मैं इसे नुचते भी नहीं देख सकता, तो मैं यहीं रहूंगा और मैं इसे बदलूंगा। बाकी की तरह चुपचाप बैठ के देख नहीं सकता, मैं लड़ रहा हूँ और मैं लड़ता रहूंगा, समझा? कैमरा से शूट करके बड़ा हो जा भावेश जोशी, कोई सुपर हीरो नहीं है तू, मलाड का अनएम्प्लॉयड लूजर है बस। Are you mad or what? क्या कर रहे हो यार तुम? तू जा यार, प्लीज जाना भाई।
सिकू भाई, आई एम रियली सॉरी यार. थिंक दिस इज फनी? नहीं नहीं, इट्स नॉट फनी. आई मीन इट्स नॉट सपोज टू बी. बहुत बड़ा. अरे भाई, अरे भाई सुन सुन सुन, एक मिनट भाई सुन ना. अरे यार गलती से जोर से लगी. सुन ना भाई, सॉरी. सिको सिको सॉरी यार, सोशल मीडिया का जमाना है जहाँ पर सरकार सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके अपनी स्कीम्स को और बल्कि बातों को लोगों तक पहुँचा दे, वहीं पर ये भावेश जोशी जैसे एंटी नेशनल लोग इस देश की व्यवस्था को, सरकार को, पुलिस को, यहाँ तक तो देश को भी नीचा दिखाने से नहीं चुकते. पाकिस्तानियों के सपोर्ट पर खड़े हुए ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए. मैडम अब बर्दाश्त नहीं होता. अपने घर से खसीटा है वही भावेश जोशी जिसने वो संदेहजनक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो भारत को कोस रहा था. जी हाँ, वीडियो को देखकर जनता का गुस्सा बर्दाश्त नहीं. खड़ा रहे. तेरा ये शो अभी फिनिश. ये नकाब पहनकर फैंटम की तरह जासूसी करना फिनिश. तूने अगर मेरे खिलाफ या पुलिस के खिलाफ किधर कुछ भी बोला, 1 किलोमीटर दूर इधर किधर आसपास तू नजर आया तो अगला वीडियो मैं तेरा बनाऊंगा और वो भी आईसिस के स्टाइल में. भावेश ये सब बंद कर दे यार प्लीज. तेरा पासपोर्ट मिल गया?
भाई हो? चल किधर चलना? अरे किधर? तू भी उसके साथ मास्क पहन के जोकर गिरी करता था ना? करता था ना? करता था कि नहीं? जितना जल्दी हो सके यहां से निकल ले और मेरी बात मान, अमेरिका में ही रहे, अच्छा है तेरे लिए। उधर कोई लोचा नहीं, सब टिप टॉप चलता है उधर। क्योंकि वापस अगर तू अपने दोस्त के साथ शाना बनने का कोशिश करेगा तो हमको तो पता है तू कौन है, किधर रहता है, तू किससे मिलता है, किसके साथ प्यार प्यार खेलता है, समझा? मैंने अपना मास्क उतार कर फेंक दिया है क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम भावेश जोशी है और आप सबको पता है कि मेरे साथ सच बोलने पर क्या हुआ। मगर आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा इंसाफ रुकने वाला नहीं है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। वो लोग हमारा पानी हम ही से चुरा के हमें बेच रहे हैं और वो सच है। मुझे एंटी नेशनल कह के वो अपना सच छुपा नहीं सकते। मैं कैमरे के सामने कहानियां नहीं बनाता हूं, ना ही कोई अफवाह फैलाता हूं। मेरे पास अभी सबूत नहीं है लेकिन मुझे पता है कि सबूत का है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये छोटी सी बात है लेकिन आज वो हमारा पानी हमसे चुरा रहे हैं, कल हमारा ऑक्सीजन खा जाएंगे, हमारे हिस्से की धूप छीन लेंगे। इसलिए हमें लड़ना होगा। मेरे लिए सच्चाई से बढ़कर और कोई चीज नहीं है और सच बताने और दिखाने की कोशिश में अगर मेरी जान भी जाती है तो जाए। इंसाफ।
कौन है तू? कोई नहीं। कहाँ से आया? कुछ नहीं। ए रुक। ए। ऐसे। ऐसे। चल बैक। कह रहे कि रोड क्रॉस कर रहा था, ट्रक ने ठोक दिया, एक्सीडेंट केस। साइन करो। कैसे हुआ? पुलिस कहती है एक्सीडेंट था।
वो आपके पास आता था? हाँ, रेगुलरली। कभी क्लास मिस नहीं करता था। Stop the car, यार। मुझे दिखाएगा ये। तो मेरे का चल रहा तो अभी सिग्नल दिखाएगा। तू दिखाएगा मुझे। पीछे ले। पीछे ले। सिकू। वो लोग हमारा पानी हमी से चुरा के हमें बेच रहे हैं और ये सच है। मैं कैमरे के सामने कहानियां नहीं बनाता हूँ, ना ही कोई अफवाहें फैलाता हूँ। हाँ, मेरे पास आज सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि सबूत कहाँ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया मेरे बारे में क्या बोलती है या आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं यहाँ बस इसलिए हूँ क्योंकि मेरे लिए सच से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और सच दिखाने और बताने की कोशिश में अगर मेरी जान भी जाती है तो जाए। कसम खाली मैंने, कसम खाली, कसम खाली मैंने, कसम खाली। रुखसत करूंगा सपनों को मैं, मिलके हकीकत से गले, सारा अंधेरा पी जाऊंगा है जो शमा के तले। मैं तो चला, चाहे मेरा साया भी संग ना चले। कसम खाली मैंने, कसम खाली, कसम खाली मैंने, कसम खाली। मुझे सीखना है। मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेंस के लिए सीखते, लड़ाई करने के लिए नहीं। मैंने लड़ाई शुरू नहीं की। जाओ, घर जाओ, सो जाओ। सिखाओ। कसम खाली मैंने, कसम खाली, कसम खाली।
मैं आता भी खाना खाके। क्या आई, कितना कॉल करती है? हाँ बोल ना, किधर जाने का? जब कोई पूछे ये सब किसने किया, बोलना भावेश जोशी आया था। क्या बोलेगा? भावेश जोशी। अपुन का काम, अपुन का नाम, दोनों इच इंसाफ।
जीन्स बहुत टाइट है भाई, ये हिला मत यार प्लीज। पवन भाई क्या हाल? अब ये क्या जगह है भाई? करप्शन की मूर्ति है ये, पुराना फाइव स्टार होटल था, काले पैसे से बनाया था, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ठोक दिया, तब से खंडर है। Don't do this, यार, I'm telling you, please, यार। यार, please, मत करना यार। मजाक कर रहा हूँ यार। मुझे ऐसे लोगों को डराने में मजा नहीं आता है, लेकिन यार, 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 मेरी पूरी फैमिली में बीपी की प्रॉब्लम है यार। यार, मेरे दोनों पेरेंट्स को बीपी है यार। Boys, welcome to my five star den. यहाँ पे सी फेसिंग बालकनी, वहाँ पे क्वींस रूम जहाँ सोना है सो जाओ, सी फेसिंग सोफा है और वहाँ पे वॉशरूम। भाई मैं वॉशरूम यूज कर रहा हूँ। हाँ जाओ। अच्छा सुन, अगर कमोड दिखेगा तो बता देना। मतलब व्हाट? इमिग्रेशनला जोडून द्या सर। हॅलो, हां एक नाम लिख लीजिए, सिकंदर खन्ना। खन्ना चला नहीं अभी, ढूंढते रहो उसे और कुछ पता चले तो मुझे बता देना। डेपो पे सारा काम रोक दो जी और आगे के प्लान पे काम शुरू करो। जोशी है, आप सबको पता है कि मेरे साथ सच बोलने पर क्या हुआ, मगर मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अब इंसाफ रुकने वाला नहीं।
इस देश की व्यवस्था को, सरकार को, पुलिस को, यहाँ तक को देश को भी नीचा दिखाने से नहीं चुकते। पाकिस्तानियों के सपोर्ट पर खड़े हुए ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। सर, ये ऑफिशियल वाटर अनाउंसमेंट के हिसाब से दिन में 4 घंटे पानी आना चाहिए, मगर 6 नंबर वार्ड में हफ्ते में चंद घंटों के लिए पानी आता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है मगर 6 नंबर वार्ड में? बराबर चलेगा ना? 100 रुपया आएगा। 100 रुपया मुझे ऐसे 4 चाहिए। कौन है?
रहा है। अभी मैं तुमसे सवाल करूंगा, जरा भी चिल्लम चिल्ली की तो बहुत मारूंगा, इधर ही छोड़ कर जाऊंगा मरने के लिए। नाम बोल। सुभाष मात्री। काम क्या करता है? असिस्टेंट ऑफिसर 6 नंबर वार्ड का। भावेश जोशी याद है? कौन? नहीं, मुझे नहीं पता। झूठ मत बोल। उस दिन जब भीड़ ने भावेश को मारा तू था ना वहां पे? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया। ने मारा पाटिल, पाटिल साहब ने। पाटिल कौन है? कारपोरेटर है 6 नंबर वार्ड का। क्यों मारा? भावेश जोशी ने पाटिल के पूरे ऑपरेशन और प्लान का वीडियो बनाया था। पाटिल कैसे वो पाइपलाइन से टैंकर में पानी भरता है, वो वीडियो वो न्यूज चैनल को देने वाला था। पाटिल क्या है प्लान उसका? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। पाटिल किसके लिए काम करता है? बोल। ए बचाए, ए जल्दी आ जा। पाटिल का प्लान क्या है? पाटिल का प्लान क्या है बोल। हड्डी तोड़ दी इस नालायक की। अरे रस्सी कौन ला? अरे मेरी रस्सी कौन? ए संजय इधर आ, मार उसको, मार। Oh my God!
भावेश जोशी को किसने मारा? सुन, YouTube से वीडियो कैसे निकालते हैं? डिपेंड करता है वीडियो किसका, तेरा या किसी और का? किसी और का वीडियो है। अच्छा, तो उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा, वो दे दे। नहीं है। तो फिर तुझे साइट पे जाके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा प्रोसीजर। टाइम नहीं है, मुझे अर्जेंट चाहिए। क्यों, ऐसा क्या है, कोई पॉर्न वॉर्न का चक्कर है क्या? अरे पॉर्न हब सेफ है, बाकी साइट्स में वायरस हो सकता है। क्या हुआ? देखिए किस तरह से ये वार्ड ऑफिसर जिन्हें बेरहमी से मारा गया है पानी की चोरी के बारे में बात कर रहे हैं, और इस वीडियो को बनाने वाला भावेश जोशी कौन है और वो कानून को अपने हाथों में क्यों ले रहा है? तुम्हें लगा था उन्होंने मुझे मार दिया, तुमने मुझे टेररिस्ट बोला, एंटी नेशनल बनाया। मैंने तुम लोगों को बोला था वो तुम्हारा पानी चुरा के तुम्हें बेच रहे। मैं वापस अपनी बात दोहरा रहा हूँ, इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम भावेश जोशी है और मैं अभी भी जिंदा हूँ। भावेश जोशी मामले ने जबरदस्त मोड़ लिया है। मुंबई के 6 नंबर वार्ड के म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर हेमंत पाटिल को औपचारिक पूछताछ के लिए मलाड पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है। सूत्रों का ये मानना है कि भावेश जोशी को कुछ आईडिया भी यहाँ पे क्या चल रहा है? नहीं, क्या हो रहा है वहाँ पे? कोई भावेश बनकर इंसाफ के चैनल पे पोस्ट कर रहा है। एक असिस्टेंट वार्ड ऑफिसर का कन्फेशन वीडियो डाल दिया है, वो कह रहा है पानी चुराने की कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, कॉर्पोरेटर पाटिल को भी नाम ले लिया उसने। वो सेम स्कैम जिसमें भावेश इन्वॉल्व था। और क्या है यार, तो अगर कोई एक्सपोज कर रहा है तो अच्छा है ना? सही नहीं है सिक्को यार, तू बात समझ, ये लोग बहुत डेंजरस हैं, इनके साथ छेड़खानी करने का नतीजा अच्छा नहीं होता है भाई।
सर राणा साहब का फोन है। हेलो। मात्रे और मीडिया को मैं संभाल लूंगा, एक आदमी भेज रहा हूँ, आगे का काम उसके साथ करना है। जी। इस बार प्लान में कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालो। आज मुंबई के वडाला इलाके से वार्ड ऑफिसर सुभाष मात्रे की लाश पाई गई। सुभाष मात्रे वही व्यक्ति हैं जिनके कन्फेशन वीडियो ने पूरे शहर में धूम मचा दी थी। पुलिस के सूत्रों के अनुसार ये खुदकुशी थी, पर ये वीडियो बाहर आने के बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे। पुलिस के सूत्रों ने हमें ये भी बताया कि उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें बयान देने पर मजबूर किया गया। यही नहीं, उन्हें धमकाया भी गया और उसके सारे सबूत झूठे हैं, और शायद किसी झूठ की शर्मिंदगी के कारण उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। मेरे खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, एक बेगुनाह के खिलाफ उन्हें क्या सबूत मिलता, आप बताइए मुझे। और अगर असली गुनहगार कोई है तो वो है भावेश जोशी, या तो फिर उस मुखौटे के पीछे जो कोई छिप रहा है, भाग रहा है, वो है। मैं तो कहता हूँ टेररिस्ट है, जो इस शहर में और धीरे धीरे पूरे देश में एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वन टू थ्री फोर फाइव। टैंकर धमाका हुआ तभी समझ गया था कि ये बेवकूफी तुमने की है। तुम क्या चाहते हो? भावेश ने जो शुरू किया, जो करना चाहता था वो खत्म करना चाहता। पाटिल शहर के अलग अलग पाइपलाइंस पे जाता है और साथ में हमेशा बॉडीगार्ड्स और एक पोनीटेल वाला, एक चश्मे वाला आदमी होता है। हर पाइपलाइन पर वो लोग कुछ चेकिंग टेस्टिंग करते हैं और फिर निकल जाते हैं। टैंकर डिपो तो बंद है मगर टैंकर भराई का काम अभी भी जारी है। मतलब वो पानी डायरेक्ट म्युनिसिपैलिटी के फिल्टरेशन प्लांट से भर लेता है। पाटिल टैंकर के पानी को बेच नहीं रहा है, टैंकर्स को शहर के बाहर भेज रहा है, दहानू के एक प्लॉट पर। करीब 400-500 पानी के भरे हुए टैंकर्स है बस पार्क्ड है उधर उस प्लॉट पर। पता नहीं ऐसे कितने प्लॉट्स हैं और कितने टैंकर्स हैं उसके पास। फिर रात को पाटिल और उसका गैंग डांस बार में जाकर बैठता है।
पीछे उनका एक वीआईपी रूम है, वहां उस दिन बैठकर कुछ तो डिस्कस कर रहे थे, कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा था पाटिल। यूएस से कुछ लाया नहीं मेरे लिए? मुझे ढूंढा कैसे? स्नेहा पर नजर रखी थी, पता था उसके आगे पीछे कहीं तो दिखेगा तू, और ये जगह तो है ही ना। सिकु मात्रा तेरी वजह से मरा है। शैतान के साथ सोने की कीमत क्या होती है उसे पता था रे। ये रियल लाइफ है, चीजें ना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। आर और पार के बीच में पूरा जीवन निकाल देते मात्रा जैसे लोग। तू उसे डिफेंड कर रहा है? वो मर गया है। और भावेश? तो भावेश मर गया तो तू पूरी दुनिया को मारता फिरेगा? तो क्या करूं रजत, माला पहनाऊं सबको? और ये सब करने से भावेश वापस आ जाएगा? नहीं, पाटिल और उसके लोग पानी के साथ कोई बहुत बड़ा कांड करने वाले, और मुझे उन्हें रोकना पड़ेगा। तू अकेला घंटा उनका कुछ नहीं उखाड़ सकता है। तो अकेला मत छोड़ना मुझे, जुड़ जा मेरे साथ। यार तू इतनी कहानियां लिखता था, सुपर हीरोज, भ्रष्टाचार, वो सब ऐसे ही था? तू हीरो नहीं है सिक्कू,
मैं जानता हूं मैं हीरो नहीं हूं, मैं बस वही कर रहा हूं जो मुझे सही लग रहा है। स्नेहा के बारे में कभी नहीं सोचा ना? वो लोग मार डालेंगे उसको और तुझे भी। डरता है तू? करना है या फिर इधर और इधर भी करना है? सिर्फ इधर। डेटोनेटर के लिए क्या यूज करते हो आप लोग? सेल फोन। कब करना है? परसों। परसों पक्का? धमाका होगा। तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, ओ विटामिन जैसा हर अंदाज है, विटामिन जैसा हर अंदाज है, तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बड़ा, चुम्मा ये तेरा सच्चा है बड़ा, दिन में दो दफा चाहिए सनम, रखता है मेरे खून को गरम, मेरी ओ मेरी मेरी तंदुरुस्ती का यही राज है, ओ तंदुरुस्ती का यही राज है कि तेरे चुम्मे में, तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, तेरे चुम्मे में चवन प्राश है। जिम न जाकर ही बॉडी बन जाए, हाँ तू जो सीधे से आके लग जाए, जिम न जाकर ही बॉडी बन जाए, दिल का रूटीन है इश्क प्रोटीन है, जिसका भंडारा तेरे पास है, मीठी बातें ये तेरी जाने मन, हम मीठी बातें ये तेरी जाने मन, सब शुगर फ्री है बड़ी खास है, वो सब शुगर फ्री है बड़ी खास है, तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, तेरे चुम्मे में चवन प्राश है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बड़ा, चुम्मा ये तेरा सच्चा है बड़ा, दिन में दो दफा चाहिए सनम, रखता है मेरे खून को गरम। I am meeting my baby.
पानी दे। क्या कर रहा है? बाइक वाला है पे नजर रखे ये रेड कलर के हेड रेड कलर के हेडलाइट सभी शेप ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे उसने ही करोड़ गाड़ी वाला एक मिनट बनकर हाँ सर वो सामने से आ रहे हैं सर हाँ
पर गए। ऊपर किधर? रेलवे स्टेशन।
भाइयों, बहनों और दोस्तों, हमारी मुंबई पे आक्रमण हुआ है। आज फिर किसी ने उसे मारने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं जानता कि मुंबई की आत्मा हजारों लाखों मुंबईकरों से ठसाठस भरी हुई है। अगर एक मुंबईकर का खून गिरता है तो उस कतरे से हजारों मुंबईकर पैदा होते हैं। वाह वाह, ये अराजकता जो हम पे लादी गई है, ये खून खराबा जो हो रहा है, उसे लड़ने की ताकत हमें देता है ये योगेश साहू का बलिदान। ये योगेश साहू दिन रात मुंबई की रक्षा करते रहा। इसने कभी दिवाली में छुट्टी नहीं ली, गणपति में भी उसने अपनी यूनिफॉर्म नहीं उतारी, बल्कि चौपाटी पर खड़ा रहा और ये देखता रहा कि किसी का बच्चा अपने परिवार से जुदा तो नहीं हो रहा। इसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उसे न्याय मिलेगा। क्या बात है, भावेश जोशी नाम है उस आतंकवादी का जो एजेंट है दुश्मन देश का, जो हमारी मुंबई को और इस भारत माता को मारने के लिए आया है। इस नाम का या इस नाम से जुड़े हुए किसी भी एजेंट को रोकना ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन उसका नाम और निशान इस जमीन से मिटाना होगा। सीबीआई, एनआईए, गवर्नमेंट की जितनी भी सारी एजेंसीज है, उनसे मैं दरखास्त करूंगा कि मुंबई को स्वच्छ करने की इस योजना में हमारी मदद करे। अगर आप स्वच्छ भय मुक्त भारत चाहते हैं तो सबसे पहले स्वच्छ और भय मुक्त मुंबई होनी चाहिए, तब जाके हम इस भारत माता का कवच बन सकते हैं। और फिर कोई भावेश जोशी इस हमारे गेटवे से भारत के भीतर नहीं आ सकता। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वो लोग पाइपलाइन को उड़ाने वाले, इसलिए इतना पानी इकट्ठा करे टैंकर में, उसके बाद वही पानी लोगों को वापस बेचेंगे। पुलिस को दे दो, फायदा नहीं, कोई मानेगा नहीं। तो फिर तुम क्या करोगे? सिकु, उन्हें रोकना तुम्हारा काम नहीं है। आपको यहां से निकलना चाहिए, मुझे ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच जाएंगे वो लोग। तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी जी, से ज्यादा आपके बेटे को आपकी जरूरत पड़ेगी। हेलो, अगर मैंने तुझे कल कॉल नहीं किया तो मेरे बेसमेंट के कमरे से मेरा लैपटॉप उठा लेना, उस पे एक वीडियो है, देखते ही तुझे सब समझ में आ जाएगा। तू जा कहाँ रहा है? हेलो,
स्नेहा आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं अटलांटा नहीं गया। सच ये भी है कि भावेश मेरी वजह से मिला और मैं किनारे पे बैठ के देखता रहा। मैं कोई हीरो नहीं हूं लेकिन आज मैं किनारे पे नहीं बैठूंगा। Thank you.
कल इसके लिए भी तुझे ही दोष दे। इकारस की कहानी सुनी है? ग्रीक पुराणों में लिखी है। नहीं सुनी? मिनूस नाम का एक राजा था। उसने इकारस और अपने बाप को एक आइलैंड पे कैद करके रखा था। अगल बगल में चारों तरफ इतना पानी था और पानी इतना गहरा था कि भागने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इकारस का मानना था कि उसका बाप इतना अच्छा कारीगर था कि वो उन दोनों के लिए ऐसे पंख बनाएगा जिन्हें पहनकर दोनों यहां से उड़ जाएंगे। इकारस के बाप ने उसकी जिद मान ली और मोम और पक्षियों के पंख लेकर बहुत ही खूबसूरत पंख बनाए जिसे पहनकर दोनों छू हो गए। इकारस बहुत खुश था। उसके बाप ने उसे चेतावनी दी कि और ऊपर मत उड़ना नहीं तो मोम पिघल जाएगा। लेकिन इकारस अपनी धुन में मस्त था। वो ऊपर उड़ता चला गया, ऊपर उड़ता चला गया, ऊपर उड़ता चला गया। आखिर मोम पिघल गया और वो गिर गया। इकारस इसलिए मरा क्योंकि वो सूरज के बहुत नजदीक उड़ रहा था। तुम्हें पता है मैं ये बात तुम्हें क्यों बता रहा हूं सिकंदर खन्ना? क्योंकि मैं वो सूरज हूं। आई एम दैट सन।
उससे कह दो कि मैं मर गया। साइड प्लीज, साइड। इनका नाम? मोहन, मोहन खेर। मुंबई से सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर सीरियल बॉम्ब धमाके। आतंकवादियों ने 5 जगह पर पाइपलाइंस को निशाना बनाया। मुंबई की पानी व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मुंबई शहर के इतिहास में ये शायद सबसे भयानक हमला है। हाँ बोलो ना सर। इस शहर की जो भी पानी की जरूरत है वो मैं पूरी कर सकता हूँ। अब कहाँ कैसे वगैरह में ना जाते हुए आप जहां कहेंगे पानी का टैंकर पहुंच जाएगा, वो भी मुफ्त। लेकिन मेरी एक शर्त है, आगे के नए पाइपलाइन का कॉन्ट्रैक्ट आगे के इस शहर के पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्ट। सैकड़ों टैंकर्स के जरिए मुंबई शहर को पानी दिया जा रहा है। आज से ये टैंकर्स रोज शहर के चक्कर लगाएंगे। पानी से परेशान मुंबई शहर के लिए मुख्यमंत्री धुले जी का ये मास्टर स्ट्रोक। मुंबई की जनता ने आंखों में आंसू और दिल में धन्यवाद लेकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। नहीं, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं अटलांटा नहीं गया। सच ये भी है कि भावेश मेरी वजह से मरा और मैं किनारे पे बैठ के देखता रहा। मैं कोई हीरो नहीं हूं लेकिन आज मैं किनारे पे नहीं बैठूंगा। हमने जो साथ में सपने देखे थे वो पूरा नहीं कर पाया। पता नहीं मैं तुमको दोबारा कभी देखूंगा, मिलूंगा। I'm sorry. I love you. Mm-hmm.
चांद, तेरे को सामान बचा लिया मैंने, लैपटॉप कैमरा बैग। मैं शाम में मिलता हूँ ऑफिस। बजट थैंक यू। को पता है तुझ में और मुझ में फर्क क्या है? मैं ना इस देश से प्यार करता हूं, मैं इसे नुचते हुए नहीं देख सकता। तो मैं यहीं रहूंगा और मैं इसे बदलूंगा। डूबते सूरज के सामने उसकी काली सहकाया खड़ी शहर की तरफ देख रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। ये शहर कभी उसका अपना था, शहर जहां वो पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था और उससे प्यार करता था। फिर रजत, ये तेरे सुपर हीरो ना पैदा वैदा नहीं होते, बनते हैं। उनकी लाइफ भी हमारे जैसे खराब ऑटो रिक्शा के जैसे खटर खटर करके रुक रुक के चलती है। हाँ, पर वो लोग अपनी प्रॉब्लम को ना एक्सेप्ट नहीं करते, उनसे भिड़ जाते बिना सोचे बिना समझे, ये बताने के लिए कि बॉस डेमोक्रेसी में औकात सबकी होती है और चाहे कुछ भी हो जाए हमें लड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। सीरियल नंबर 54, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस हेमंत पाटिल। जादू सबके लिए। जानने की जरूरत नहीं है, देखा कि नहीं? मुझसे क्या चाहते हो? इंसाफ। हीरोज अंधेरे में घबराते नहीं है, दीवारों पर आकर रुकते नहीं है, वो डर के किनारे पर खड़े नहीं रहते, डर को मार कर सबको रास्ता दिखाते हैं, उनको होश में लाते हैं, झूठी दुनिया में सच बोलने की क्रांति करते हैं। वो जानते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई को कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, बस लड़ते हैं,
सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए। करप्शन और क्राइम होगा, ऐसी काली दुनिया को लाइट अप करने के लिए जो 10,000 वॉट का एलईडी बल्ब पैदा होता है ना, उसे कहते हैं हम हीरो। इंसाफ मैन। कहीं पे दिल के कोने में बटन है एक नादानी का, दबा दबा दबा, जो लम्हा लेके आया है बबल गम एक शैतानी का, चबा चबा चबा। जहां सस्ते में मिलती हो खुशी का वो ठिकाना है, कहां कहां कहां, तेरी ही नाक के नीचे खुशी मौजूद है पगले, यहाँ यहाँ यहाँ। तो चल जरा जी लेना खुल के, तू तू कर जरा कर लेना खुल के, तू तू तफरी। को कल की खातिर मत पेट्रोल की तरह बचा बचा बचा, छिड़क दे आज पे सारा बेपरवाह हंगामा, मचा मचा मचा। ठहाके जोर के मारे जमाने को लतीफा वो सुना सुना सुना, बटे जब चार यारों में मजा बढ़ता है उतनी ही गुना गुना गुना। तो चल जरा
तफरी यहाँ तो चले।